गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गुड फूड हैबिट्स के बारे में। हम लोग बोले थे कि चैप्टर का हमारे को समाप्त हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ वर्क करेंगे। जैसे सबसे पहला वर्क क्या है, ठीक दी करेक्ट आंसर। तो ठीक दी करेक्ट आंसर में देखिए क्या है, राइस एंड व्हीट आर लीव्स एंड ग्रेन्स। राइस चावल और गेहूं, ये क्या है पत्ता है कि ग्रेन्स अनाज है, तो अनाज है ये हमारा, इस ग्रेन्स में टिक करती है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, देयर आर थ्री या फोर इम्पोर्टेंट फूड ग्रुप्स। सबको हम पढ़ाए थे चैप्टर में, अगर आप ध्यान दिए अच्छे से तो क्या पढ़ाए थे, थ्री इम्पोर्टेंट फूड ग्रुप्स है। सबसे क्या था, फूड दैट गिव्स अस एनर्जी। दूसरा क्या था, फूड दैट कीप्स अस स्ट्रांग एंड हेल्दी। फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो, तीसरा था। तो ये तीनों हमारा क्या था, इम्पोर्टेंट फूड ग्रुप्स था। तो मतलब तीन होता है वो बताया था, तो क्या होता है थ्री में यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वी मस्ट ड्रिंक टी मिल्क एवरी डे, टी या मिल्क। तो आपको कल पिछले क्लास में गुड फूड हैबिट्स में क्या बताया था, वी मस्ट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, एक ग्लास दूध हम लोग डेली पीना चाहिए। यहाँ पे क्या हम लोग मिल्क में टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद था, द फूड वी ईट रेगुलरली इज कॉल्ड आवर डाइट या वेट। वेट मतलब वजन होता है, डाइट जो है हम लोग का आहार, जो डेली हम लोग रेगुलर जो खाते हैं उसको क्या करते हैं, तो आहार होता है भाई, वेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, डाइट हो जाएगा आंसर। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, वी गेट हनी फ्रॉम एनिमल्स या प्लांट्स। हम लोग को जो शहद मिलता है जिसको मधुमेह तो कहते हैं, वो शहद जो क्या होता है कहाँ से मिलता है, वो हम लोग को हनी बी से मिलता है। हनी भी क्या प्लांट है कि एनिमल है, तो एनिमल है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग एनिमल पे टिक किए। तो फिर से एक बार देखिए हम करवा दे रहे हैं इसको। सबसे पहला, राइस एंड व्हीट आर लीव्स एंड ग्रेन्स। तो क्या हुआ हमारा, ग्रेन्स अनाज है, ठीक है। ग्रेन्स मतलब अनाज होता है, लीव्स मतलब पत्तियां। देयर आर थ्री या फोर इम्पोर्टेंट फूड ग्रुप्स। तो तीन इम्पोर्टेंट फूड ग्रुप्स था। सबसे पहला क्या था हमारा, फूड दैट गिव्स अस एनर्जी। फूड दैट, दूसरा क्या था, फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो। फूड दैट कीप्स अस स्ट्रांग एनर्जी। तीसरा था, वी मस्ट ड्रिंक टी या मिल्क एवरी डे। तीसरा था, तो हम लोग क्या पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। चौथा क्या था, द फूड वी ईट रेगुलरली इज कॉल्ड आवर डाइट, तो वो या वेट, तो डाइट होगा हमारा। उसके बाद वी गेट हनी फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो हम लोग एनिमल्स से हनी मिलता है आपका। यहाँ पे है ना, ये शॉर्ट वर्क खत्म हो गया इस चैप्टर का। और इसके बाद अगले चैप्टर में, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप इसको नोट करके याद कीजिए सबको अच्छे से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।